good morning students in the last videos we discussed about the meter bridge and the potentiometer now in this video we are going to solve some numericals based on wheatstone bridge and the meter bridge now let us read the first question it is calculate the current drawn from battery by network of resistors shown a diagram is given to us and we have to find the

और दूसरी तरफ हमारे पास टू ओम फोर ओम की रेजिस्टेंस है तो आपको जब भी ऐसा नेटवर्क दिखे इट मीन इट इज जस्ट एन अदर वे टू ड्रॉ वीट अपॉन क्यू द रेशियो पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस इट मीन्स द ब्रिज इज इन बैलेंस्ड पोजिशन एंड नो करंट विल फ्लो थ्रू द फाइव ओम रेजिस्टर When the bridge is balanced, no current flows through the this middle wire. It means this no current will flow through 5 ohm resistor. If no current is flowing, means the resistor will not show any effect in the circuit. Or we can also remove the same from the circuit. It is equivalent. current circuit. Now, it is a simple circuit. The current will flow from here.

हमारे पास इनकी रेजिस्टेंस आ जाएगी वन प्लस टू थ्री ओ सिमिलरली जो क्यू एंड एस है वो भी हमारे सीरीज में है आर इन सीरीज तो इनकी रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगी टू प्लस फोर सिक्स ओह नाओ ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है इस पॉइंट से जो करंट है वो डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स जो दोनों कॉम्बिनेशन है दे आर पैरल टू ईच अदर तो पैरल में हमारी effective resistance rjg 1 by 3 ohm 1 by 6 ohm we will take the lcm here and it, the value comes out to be 2 ohm now we have calculated the total resistance of the circuit and the total voltage is given to us means by using the ohm's law we can easily calculate the current of the circuit so v equal to ir the voltage is 4 and the total resistance is two, and current comes out to be two ampere. So when no current flows through the middle wire, so we it means that has no role in the circuit, and we can easily solve the circuit by considering the resistors in series and parallel only. Now the next question, here is again a network is shown. It is given that each of the resistance In the network is equals R. Find the resistance between the terminals A and C. Now look students, it is again another form, another way to draw Wheatstone bridge. अगर हम इस वायर को यहाँ से उठाएं A को और उसको उठा के इधर शिफ्ट कर दें। इसको सपोज मैंने ही रखा ये मैं आपको ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। ये बी डी वायर मेरी ऐसी पड़ी है हमने अपने हैंड से इस इस वायर को उठाया और इसको सामने वाली साइड ले गए जब हम इसको सामने वाली साइड ले गए ऐसे हमने इस वायर को इधर रख दिया ये हमारा ए टर्मिनल हमने यहाँ पे रख दिया और इस तरफ बीड अब ये तो हमने रिमूव कर दिया बीच में से जो ये वाला पार्ट है ऐसे ही पड़ा है हमारे पास ये और दर रजिस्टर और इस पॉइंट को भी इस वायर को भी उठा के हमने बाहर वाली साइड शिफ्ट कर दिया तो ये भी हमारे पास क्या है दिस इज ऑल्सो एन अनदर वे अनादर वेट सोन ब्रिज तो ये हमारे पास अलग अलग तरीके हैं वीट सोन ब्रिज को ड्रॉ करने के नाउ इट्स क्वाइट सिंपल क्वेश्चन क्लियरली द रेशियो पी अपॉन क्यू इज आर बाय एस इट मीन्स द ब्रिज इज बैलेंसड नाउ

ऊपर वाली दो रेजिस्टेंसीज हैं वो सीरीज में है, जो ए बी और ये हमारे पास ये रेजिस्टेंसीज हैं ये भी दोनों सीरीज में है और द कॉम्बिनेशन आपस में क्या है पैरेलल में तो पैरेलल में हमारे पास रेजिस्टेंस इसको जस्ट मैंने सपोज नेम ले दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ अब हमारे पास जो ऊपर वाले सर्किट में रेजिस्टेंस कितनी होगी आर वन प्लस आर टू और नीचे वाले सर्किट की रेजिस्टेंस आर थ्री प्लस आर फोर और जो कॉम्बिनेशन है वो आपस में क्या है पैरेलल में सबकी वैल्यू क्या है आर इसको मैंने आर प्लस आर पुट किया टू आर इसको भी हमने आर प्लस आर पुट किया टू आर नाउ लेट्स टेक द एलसीएम टू आर हमारे पास ये क्या बन जाएगा टू बाय टू आर और रेसिप्रोकल जब हम लेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई आर सो दिस इज अगेन एन वे टू ड्रॉ टू स्टोन इन माइंड दिस वन और जो हमने इसके ऊपर क्वेश्चन किया है ये दोनों ही वीड स्टोन ब्रिज को ड्रॉ करने के दो अलग 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 वेज है नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है और सी इन द फॉलोइंग सर्किट अज शोन इन इट्स बैलेंस्ड स्टेट बैलेंस स्टेट का मतलब क्या है नो करंट विल फ्लो थ्रू द गलोमीटर आर्म और ये जो रेजिस्टेंस है पी क्यू आर अपॉन एस जो पी अपॉन क्यू है आर अपॉन एस के इक्वल होगी द मिट ब्रिज वायर हैज रेजिस्टेंस वन ओ हम पर सेंटीमीटर हमें गिवन है कि ये जो वायर लगी है हंड्रेड सेंटीमीटर की इसकी जो रेजिस्टेंस है वो वन ओ हम पर सेंटीमीटर है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अनोन रेजिस्टेंस एक्स एक्स की वैल्यू हमें फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बैटरी से कितना करंट ड्रॉ हुएगा वो हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले क्योंकि जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड है देखो ब्रिज इज बैलेंस्ड जब भी मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है तो आपको ध्यान रखना है आप इसको हमेशा ऐसे रेशियो ले लो P इधर Q इधर R इसको S इसको तो हमारे पास क्या रेशियो होती है जब ब्रिज बैलेंस्ड है P अपॉन Q, R अपॉन S के इक्वल होता है अब P की वैल्यू X है अननोन है, और आ, एक, आ, Q की वैल्यू हमारे पास सिक्स है R की वैल्यू अब हमें गिवन है वन सेंटीमीटर वायर की रेजिस्टेंस वन ओहम है इसका मतलब ए से जे तक ए से जे तक जो वायर है 40 सेंटीमीटर है तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी 40 और जे से बी तक जिसको मैंने एस लिया है एस का मतलब क्या है रेजिस्टेंस ऑफ जे बी और आर का मतलब क्या है रेजिस्टेंस ऑफ ए जे तो ये आर की वैल्यू इसका मतलब हमारे पास कितनी होगी 40 क्योंकि क्वेश्चन में वन ओम पर सेंटीमीटर हमें रेजिस्टेंस दी गई है और इस पोर्शन की जे बी पोर्शन की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारे पास सिक्सटी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो आर को आप लिख सकते हो बी रेजिस्टेंस ऑफ ए जे और एस को आप लिख सकते हो रेजिस्टेंस ऑफ जे बी फाइन अब यहां से अब देखो ये जीरो कैंसल आउट हो गया x की वैल्यू ये सिक्स को भी हम कैंसिल कर देंगे x की वैल्यू आ गई 4 हम। ये हमारा एक पार्ट सॉल्व हो गया हमने अननोन रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर ली नाउ वी हैव टू फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी नाउ इट इज अ सिंपल सर्किट लाइक अगर हम वोल्टनोमीटर शो ना करें तो ये कैसा सर्किट बनेगा हमारे पास लाइक like दिस इसके साथ हमारी सिक्स वोल्ट की बैटरी जो है वो कनेक्टेड है ये हमारे पास रजिस्टर ऊपर आ गए X, X की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं ये सिक्स है ये ए जे की, की वैल्यू हमें पता है कि फोर्टी ओम है और जे बी की वैल्यू हमें पता है सिक्सटी ओम है अब ये सिंपल हमारा सीरीज पैरेलल वाला क्वेश्चन है और हमें करंट जो है वो फाइंड आउट करना है नाउ जस्ट सी एंड फोर आर इन सीरीज फोर्टी एंड सिक्सटी आर इन सीरीज एंड बोथ आर पैरल तो इसको मैं जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था आप ऐसी आप शॉर्ट में कर सकते हो सिक्स प्लस फोर यहाँ पे मैंने एड कर दिया और फोर्टी प्लस सिक्सटी यहाँ पे एड कर दिया ये सीरीज में है और इनका जो कॉम्बिनेशन है वो पैरल में है तो ये हमारे पास आ गया वन बाय टेन वन बाय हंड्रेड तो हंड्रेड एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे टेन ये वन और जब हम रेसिप्रोकल लेंगे रेजिस्टेंस आ गई हंड्रेड अपॉन इलेवन ओम ये हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई बट वी हैव टू फाइंड द करंट तो वी यूज V इक्वल टू I R तो वोल्टेज इज सिक्स एंड रेजिस्टेंस इज हमारे पास आ, हमने फाइंड आउट करना है करंट तो करंट इज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस वोल्टेज सिक्स है है, तो ये ये हमारे पास ये हमारा टोटल करंट आ गया करंट ड्रॉन बाय द फ्रॉम द बैटरी नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो सी इन ब्रिज

फोर्टी सेंटीमीटर फोर्टी अगर मैं इसको रीड्रॉ करूं मीन्स ये हमारा अगर आ रहा है ये एस है और ये वायर है जो गलवेन्टर है वो 40 सेंटीमीटर पे डिफ्लेक्शन देता है तो बाकी की लेंथ कितनी बच गई सिक्सटी इस वैल्यू को हम एल लेते हैं इसको हमने हंड्रेड माइनस एल लेते हैं तो लेंथ की टर्म्स में हमने फॉर्मूला पढ़ा है मिटर ब्रिज में क्या फॉर्मूला होता है आर अपॉन एस एल अपॉन हंड्रेड माइनस एल तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी एल की वैल्यू कितनी गिवन है फोर्टी तो हंड्रेड माइनस एल कितना हो गया सिक्सटी मीन्स वी हैव गिवन कि आर अपॉन एस इज फोर बाय सिक्स या इसको आप लिख सकते हो टू बाय थ्री तो हमारे पास एक इक्वेशन ये गिवन है फिर नेक्स्ट हमें गिवन है कि अगर हम s के साथ 12 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दें तो बैलेंस पॉइंट शिफ्ट होके बन गया 50 अब ये एक केस की हमने इक्वेशन लिख ली एक सिचुएशन की हमने इक्वेशन लिख ली अब अगर s के साथ ये 12 ओम है तो इस राइट पोर्शन पे इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होएगी यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूं पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होएगी 1/s तो प्लस वन बाय ट्वेल्व जब हम एलसीएम लेंगे क्या बन जाएगा ट्वेल्व एस ट्वेल्व प्लस एस ऑलवेज रिमेंबर टू टेक द रेसिप्रोकल इसको ऐसे नहीं छोड़ देना रेसिप्रोकल लेना जरूर याद रखना तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी ट्वेल्व एस ट्वेल्व प्लस एस तो ये कौन सा रेजिस्टेंस है अगर मैं अब सर्किट को फिर से ड्रॉ करूं इसका मतलब हमें क्या सिचुएशन गिवन है अब अब हमें इस सिचुएशन गिवन है कि लेफ्ट गैप में तो रेजिस्टेंस आर है राइट right गैप में ये है 12s 12 s ये मैंने क्या किया इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली आर uh, s के साथ 12 का पैरेलल में लगाया और अब जो बैलेंस पॉइंट है हमारा वो 50 सेंटीमीटर पे आ रहा है तो बाकी की लेंथ भी कितनी बचेगी 50 इट मींस सेकेंड सिचुएशन में हमारी इक्वेशन कैसी होएगी आर अपॉन अपॉन प्लस इसको मैंने पुट कर दिया ये वैल्यू क्या बन गई फिफ्टी अपॉन फिफ्टी फिफ्टी अपॉन फिफ्टी वन आ गया हमारे पास तो यहाँ पे ये टर्म आप देखो इसको आर अपॉन टवेल्व एस जो टर्म डिवाइड बाई डिवाइड है उसको मैंने न्यूमरेटर में लिख लिया ये इक्वल टू वन आ गया अब आर बाय एस की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में से पुट कर देते हैं इस फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन में हम लोग आर बायस की वैल्यू पुट कर देते हैं टू बाय थ्री आर बायस को मैंने लिख दिया टू बाय थ्री एक ये मेरे पास ट्वेल्व भी ऑलरेडी पड़ा है ट्वेल्व प्लस एस इक्वल टू वन ये मेरे पास टू सिक्स पे कैंसिल हो गया 12 plus s आ गया हमारे पास ये एटीन और एस की वैल्यू एटीन माइनस ट्वेल्व ये आ गई सिक्स ओहम हमारे पास हमने एस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली इट कम्स आउट टू बी सिक्स ओहम अब हम इस इक्वेशन में से आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में से आर बाय टू बाय थ्री तो यहां से हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी

एंड अनु एंड राइट एंड से लिखा होता है।, है अगर हमारे पास जीरो एंड है तो फोर्टी जो है वो एल की वैल्यू है अगर राइट right एंड से हो यही तो वो हंड्रेड माइनस एल की वैल्यू हो जाएगी तो इस बात का ध्यान रखना है आपको फिर है ऑन शंटिंग अनोन रेजिस्टेंस विद टू ओहम शब है पैरल में कनेक्ट कर देना अब आप देखो फर्स्ट सिचुएशन क्या है लेफ्ट गैप अनोन रेजिस्टेंस इन द राइट गैप एंड बैलेंस पॉइंट इज एट ये गलवेनोमीटर की ये मैंने जॉकी शो की है जस्ट जस्ट ये आपको शो करने के लिए द बैलेंस पॉइंट इज एट फोर्टी इसका मतलब ये वैल्यू होगी सिक्सटी और सेकेंड केस में हमने क्या किया है टू ओहम तो ऐसे ही है अन के साथ x के साथ टू ओहम पैरल में लगा दिया x के साथ हमने टू ओहम पैरल में लगा दिया और हमें देखना है कि बैलेंस पॉइंट किधर शिफ्ट होएगा। हमें ये फाइंड आउट करना है कि शिफ्ट कितना होएगा बैलेंस पॉइंट पे अब देखो सी इन द फर्स्ट सिचुएशन वी कैन राइट द इक्वेशन टू बाई एक्स ये हमेशा ही आपको माइंड में रखना है भी, ये p upon q r upon s है फिर चाहे आप बार बार ये इक्वेशन ना भी लिखो सीधा हम लिख देंगे कि यूजिंग वीड्स ब्रिज प्रिंसिपल तो हमारे पास क्या आएगा टू अपॉन एक्स फोर्टी अपॉन सिक्सटी के इक्वल आ जाएगा यहां से हमने ये जीरोस कैंसिल की x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं x की वैल्यू क्या आएगी टू ये सिक्स मल्टीप्लाई हो गया फोर डिवाइड हो गया एक्स की वैल्यू आ गई थ्री ओम नाउ सेकेंड केस में अब हमें हम फाइंड आउट कर चुके भी जो एक्स है वो थ्री है थ्री पैरल में हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इन द पैरल वैल्यू विल बी वन बाय थ्री एंड वन बाई टू सिक्स विल बी द ये हमारे पास वैल्यू आ गई टोटल सिक्स पॉइंट फाइव हो हम तो सेकेंड केस में हमारे पास क्या सिचुएशन है लेफ्ट गैप में कितना रेजिस्टेंस है टू राइट गैप में कितनी रेजिस्टेंस है सिक्स पॉइंट फाइव अब हमें बैलेंस पॉइंट निकालना है बी एल है ये हंड्रेड माइनस एल लाइक दिस तो दिस इज एल दिस इज हंड्रेड माइनस एल इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं ये फाइव ऊपर चला जाएगा टेन इसको इधर मल्टीप्लाई कराया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेशन है सिक्स एल ओपन द ब्रैकेट इट कम्स आउट टू बी थाउजेंड माइनस टेन एल सिक्स एल ये थाउजेंड टेन इधर आके ऐड होएगा सिक्सटीन एल तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास थाउजेंड अपॉन सिक्सटीन इसको आप डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हो ये आपके पास वैल्यू लेंथ हमारी आ जाएगी सेंटीमीटर्स में इसको डिवाइड करके ये हमारी वैल्यू आएगी सेंटीमीटर। अब हमें पूछा है क्वेश्चन में देखो हमें ये नहीं पूछा कि नया बैलेंस पॉइंट क्या है हमें पूछा है शिफ्ट बैलेंस पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ है तो पहले बैलेंस पॉइंट कितना था 40 अब कितना है सिक्सटी टू पॉइंट फाइव शिफ्ट शिफ्ट ऑफ बैलेंस पॉइंट कितनी शिफ्टिंग हुई है अब नई वैल्यू कितनी है 62.5 पहले वैल्यू थी 40 तो इट कम्स आउट टू बी 22.5 सेंटीमीटर तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई कि जो बैलेंस पॉइंट है वो कितना शिफ्ट हुआ है थैंक यू